नहीं, हमारी तरफ से कोई हर्डल्स नहीं है। जब समझौता हुआ था राज्य के उस समय, तब ये था कि 100% ग्रांट बांध बनाने की और सिंचाई की जितना भी सिस्टम खड़ा करना है उसके लिए भारत सरकार को पैसा देना है। लेकिन अब उसके बाद काम में जो गति होनी थी वो नहीं हुई, चीज़ें आगे बढ़ती गई, तो जो कास्ट है वो बढ़ गई है। इस बात को लेकर राज्य ने कहा है कि साहब वो कास्ट बढ़ गई है, जो भी एजेंसी होगी। दूसरा, कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें जोड़ने की बात की गई, बिजली पैदा करना या पेयजल की बातें करना, इस पर लेकर बातचीत हुई है। हर्डल्स नहीं है, ये नई डिमांड्स थी जो उसमें जोड़ी गई। तो कास्ट को लेकर अभी जो हमारे सचिव हैं वो उसको लेकर उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी है, तो ये तय कर रही है। अब 2022 की कास्ट लेना तय हुआ, 2013 और 14 की कास्ट पर हम पेमेंट करेंगे, तब तो 29,000 करोड़ था। अगर आज की कास्ट आप देखेंगे तो देरी जब होती है तो कॉस्ट तो बढ़ती है। तो इन बातों को लेकर सचिव के स्तर पर एक कमेटी है जो अभी इस पर बैठ रही है, कोई ना कोई उसका रास्ता निकलेगा। अब ये जो बड़ा चैलेंज है कि साहब कास्ट इतनी एक्सीलेट हो गई है, इतनी बढ़ गई है, आप उसको कास्ट को कहाँ से बियर करेंगे? या कंपोनेंट आप बढ़ा रहे हैं तो ये तो नए एडिशंस है ना। बांध बनना, बांध बन गया, नहर बननी है तो इसके लिए तो भारत सरकार ने कहा था, इस पर चर्चा चल रही है। इससे आगे मुझे लगता नहीं बोलना चाहिए। मुझे इतना कह सकता हूँ जिस समय 2013 और 2014 की कास्ट थी उसके हिसाब से 29,000 करोड़ था, आज की कास्ट के बारे में क्या है ये वो टेबल पर बताएंगे।